हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लास सजगो। आज फिर से मैं ट्वेल्थ क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं मोटिवेशन ऑफ द डे लेकर के आया हूँ, जो आप देख लीजिए। कहा गया है कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब न तोड़ना, हर कदम मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन न छूना। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के वीडियो के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर है 169, हमने पिछले क्वेश्चन करवा दिया है, यदि आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 169 नंबर देखिए। चार समान लंबाई के तार प्रत्येक का प्रतिरोध 10 ओम है, वर्गाकार के रूप में जोड़ा गया है, तो दो विकर्णता सम्मुख शीर्ष बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक फीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक है, और मैं आपको कॉपी पर बता रहा हूँ किस तरह से बन रहा है इसको, और सॉल्व करके बताता हूँ कितना आंसर आता है, उसके बाद हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, चार समान लंबाई के तार था, ठीक है, जो वर्गाकार रूप में मोड़ दिया गया है। तो देखिए वर्गाकार रूप में मोड़ दिया गया है, चार समान लंबाई के हैं। अगर इस कलम से समान नहीं बने तो भी आप मानिएगा कि समान ही है, ठीक है, इस वर्गाकार के रूप में। और जो है इसे सभी जो इसका जो भुजा है, मतलब इसका जो लेंथ है, उस पर 10 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, ठीक है। यहाँ भी 10 ओम है, यहाँ भी 10 ओम है, और यहाँ भी 10 ओम है, और यहाँ भी 10 ओम है, ठीक है। और इनके बीच जो समतुल्य प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा होगा, ठीक है, इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हीट स्टोन ब्रिज है वो संतुलित है, ठीक है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, बटा कर देते हैं, तो 10/10 1 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था फीट स्टोन ब्रिज के लिए कि यदि फीट स्टोन ब्रिज में अगर सभी जो प्रतिरोध लगा हुआ रहता है उसमें अगर सेम अगर रेजिस्टेंस आ जाता है तो उसका आंसर आ जाता है 10 ओम, ठीक है। वैसे आप हल करके भी देख लीजिएगा, 10 ओम ही आएगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 ओम। चलते हैं ऑप्शन की ओर, ये है 10 ओम ऑप्शन, तो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि तांबे तथा एल्युमिनियम के दो एक समान चालक, ठीक है, दो एक समान चालक, ध्यान दीजिएगा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। कैसा है क्षेत्र, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक है। एल्युमिनियम पर प्रेरित आवेश का परिमाण कितना होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ बताने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं कही जा रही, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि सही पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हो रहे हैं सही पर एक समान ही उत्पन्न होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम प्रेरित आवेश का जो परिमाण होगा वो कितना होगा, तो ठीक है तांबे से ही न ज़्यादा होगा न कम होगा, ठीक है, बल्कि तांबे के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जो भी एल्युमिनियम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उतना ही कितना इस पर भी रहेगा, ठीक है, जितना चार्ज इस पर जमा होगा इतना चार्ज इस पर लगेंगे, तो दोनों पर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 170 नंबर क्वेश्चन का सी सही होगा। अब चलते हैं 171 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 171 नंबर जो क्वेश्चन है, दिखाए गए परिपथ में एक्स और वाई के मध्य विभवांतर पूछा जा रहा है, एक्स और वाई के मध्य विभवांतर पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सी प्रश्न है, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 120 वोल्टेज दिया गया है, और एक्स और वाई के बीच हमको पूछ रहा है विभवांतर पूछ रहा है, तो यहाँ तो बंद तो है नहीं, कहीं बंद नहीं है, तो यहाँ पर बंद नहीं है, तो एक्स और वाई के बीच में जितना जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है चाहे जहाँ भी खर्च हो जाए, लेकिन यदि टोटल की बात किया जाए एक्स और वाई के बीच में तो कितना रहेगा, 120 वोल्ट ही रहेगा ना, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसा अगर मान लिया जाए कि है, ठीक है, ऐसा है, इस टाइप का है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि 20 वोल्ट है और आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, तो कहिए कि 120 वोल्ट है। यदि मान लिया जाए कि ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, इस टाइप का है, यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच विभवांतर कितना है, मान लिया जाए कि हमने ले लिया है 40 वोल्ट, तो कितना कहिएगा कि 40 वोल्ट यहाँ ए और बी के बीच विभवांतर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, दोनों के बीच में पूछ रहा है, मतलब क्या हुआ, 120 वोल्ट ही होगा ना, 120 वोल्ट ना, हमने जो पिछले वीडियो में बताया था, देखिए यहाँ पे किस तरह से ज्ञात करना था, इसमें आपसे पूछा था ए और बी के बीच विभवांतर, तो यहाँ आप देखिए कि ये यहाँ लगा हुआ है, बी यहाँ लगा हुआ है,
तो कुछ जो है सो वोल्टेज यहाँ खर्च हो चुका है, मतलब जो भी निकालना है से यहाँ निकालना है, ठीक है, तो यहाँ अलग हो जाएगा विभवांतर। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे जहाँ भी खर्च हो लेकिन टोटल जो है सो क्या हो रहा है, दोनों का अगर टोटल अगर जितना है सब कितना हो जाएगा, 120 वोल्टिंग हो जाएगा, चाहे यहाँ से देखा जाए यहाँ से देखा जाए, क्योंकि इतने दोनों के बीच में पूछा जा रहा है, तो 120 ही वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन शायद नहीं दिया गया है तो ठीक है, इसका सही उत्तर 120 वोल्ट हो जाएगा, तो इसको टिक मार दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा 120 वोल्ट ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के प्रवधुतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कूलाम के नियम से क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है, 1/4 πε0 ρQ1Q2/r2। लेकिन वही यदि मीडियम रहता है तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि यह बराबर FM बराबर क्या होता है, मीडियम यदि कोई माध्यम रहे तो यह बराबर K मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि K प्रवधुतांक माध्यम रख दिया जाएगा, ठीक है।